वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का ऐसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है जैसा मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है और स्वाभाविक सी बात है, अगर हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो मनुष्य जीवन भी विनाश की ओर जाएगा। क्यों? धीरे धीरे हम आए दिन देख रहे थे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि हम प्रकृति की ओर बहुत कम जाने लगे। हम भौतिक जीवन पे इतना ज़्यादा हावी हो गए, भौतिक जीवन पर इतना आकर्षण हो गए कि जो वास्तविक प्रकृति का जो जीवन है, प्रकृति का मतलब केवल पेड़ पौधे और घास फूस तक ही सीमित नहीं, प्रकृति का मतलब है अपनी मूल प्रकृति के आधार पर जीना, है ना। परिवर्तन जरूरी है परंतु वो परिवर्तन प्रकृति का नाश करके कभी नहीं हो सकता, है ना। जैसे जहाँ पे प्रकृति का नाश हो वहाँ मनुष्य का जीवन नहीं सही ढंग से हो सकता है। तो इसलिए ये भी बताया इन्होंने कि प्रकृति की रक्षा करना ही मनुष्य की जिम्मेदारी, और तभी मनुष्य सुख समृद्धि से जीत सकता है ना, और आनंद से जीत सकता है। तो कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकती। इतना कुछ प्राप्त किए उन्होंने कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इतना विद्वान भी हो सकता है। ग्रैमिंग करके या फिर पुरानी चीज़ों को रट के या कोई परिवर्तन नहीं करके या फिर परिस्थिति को नहीं समझ के, जो केवल मौखिक रट्टा मारता रहे और उसमें परिवर्तन नहीं लाए, सकारात्मक परिवर्तन, तो ऐसे परिवर्तन को लिए बिना आप पुरानी चीज़ों को ही आप सिर्फ रिपीट करते रहते हैं तो वो विद्वान नहीं हो सकता। ये इन्होंने अपने कार्यकाल में करके इन्होंने साबित किया, इसलिए उन्हें अमूल्य और अतुल्य माना जाता है और आज भी, पहले भी माना जाता है और आज भी। तो उनके पात्र का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। आज के समय में राजा कौन होते जो गुलामी, जो प्रजा उनके गुलाम हो जाए, है ना। अगर प्रजा उनके गुलाम हो जाए तो वो बहुत बड़े राजा है, नहीं। राजा वो होते जो बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के, बिना तुष्टिकरण के समाज की समृद्धि के बारे में विचार करें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे उनका जो नगर या जो भी स्थान हो वो समृद्ध रहे। अगर आप ये सोचने लगे कि मैं ही बड़ा रहूं और बाकी सब छोटे रह जाए तो न तो आपका कुछ वृद्धि हो सकता है, ना नगर का हो सकता है, ना समाज का हो सकता है। उलट इसमें हिंसा और बढ़ती है और इवन आप देखें तो माहौल बिगड़ता है ना, जीना कठिन हो जाता है आपका भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, ये बहुत बड़ा अभिशाप बनता है। इसलिए राजा की वास्तविकता क्या है वो इन्होंने अनुभव के तौर पे और विद्या के तौर पे इन्होंने बताया, ठीक है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में स्त्रियों को हम किस नजरिए से देखते हैं, अगर आप गौर से देखें, क्यों? क्योंकि आज हम फिल्म, वेब सीरीज, टीवी, उसमें ना जाने स्त्रियों को किस तरीके से दिखाया जाता है ना। आई थिंक गेम्स के आधार पर भी, है ना। तो आज जिस तरीके से दिखाया जाता है उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दी जाती है, किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की दृष्टि से
स्त्रियों को देखने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, इसलिए आज के समय में स्त्रियों का अपमान ज्यादा बढ़ने लगे। ये स्त्रियों का अपमान ही वास्तव में ये ईश्वर का अपमान है, इस देश का अपमान है, इस देश की संस्कृति का अपमान है। इसलिए समय रहते देर होने से पहले अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते तो समझ लो कि आपके जो जीवन है वो आगे चलकर नरक में बदल जाएगा। और खास करके एक बात पे कहते थे, एक टाइम ऐसा था कि स्त्रियों को पुरुष लोग स्त्रियों को अपना जूती समझते थे। जूती मतलब पता है ना, मतलब उनके चरणों की धूल। इसलिए स्त्रियाँ विद्या प्राप्त नहीं कर पाती थी, वो गुलाम बनती थी। कहीं ना कहीं आज भी स्त्रियाँ जो है वो चलो आत्मनिर्भर थे लेकिन वो भौतिक सुखों की गुलाम बन चुकी। और जो ऐसे ज़्यादा देखने को मिलता है वही ज़्यादा आज स्त्रियाँ तनाव में जीती है ना। कोई भी गुलामी इंसान को कमजोर कर सकता है, खास करके स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियों का जो इसमें जो बताया गया है कि स्त्रियों को उस समय सम्मान और श्रद्धा की नजरिए से, जिसे हम आज हम देवी कहते हैं, है ना, स्त्रियों को अगर आप देवी की नजरिए से देखेंगे तब आप स्त्रियों का सम्मान करने लगेंगे, है ना, चाहे वो बड़े घर के हो चाहे छोटे घर के, है ना। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। अगर दृष्टि सही है तो आपकी सृष्टि भी सही है, अगर दृष्टि खराब है तो आपकी सृष्टि खराब है, है ना, आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है ना। इवन जब शादी के बाद वो घर ससुराल जाती है तब परिवार जो उनके ससुराल वाले उनको किस दृष्टि से देखते हैं उस पर भी निर्भर करता है ना। उनको अपनी बेटी की दृष्टि से देखते हैं, है ना, उनका ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तब तो उस घर में स्वर्ग अपने आप बन जाता है ना। हम ऊपर जाए हम मरने के बाद स्वर्ग की कामना करते, वास्तव में जीते जी स्वर्ग अगर पाना तो इससे बेहतर आपका विचार नहीं हो सकता, ऐसी दृष्टि नहीं हो सकती। तो महाकवि कालिदास के साथ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है, इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। पहले ही आपको बता चुके ऋतुओं की अपनी खूबसूरती, उसकी विशेषताएं इन्होंने अपने इस ग्रंथ में बताया गया है कि ऋतुओं का हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है, है ना, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो ऋतु वर्षा ऋतु हो या कोई भी हो ग्रीष्म ऋतु हो चाहे वो वसंत ऋतु हो, है ना, इन ऋतु का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है और इनका सम्मान करने से, इन ऋतुओं का भी सम्मान करने से कितना अलग असर पड़ता है, तो इसका हमारे जीवन में क्या क्या उदाहरण है। ये जो ऋतुएं भी जो परिवर्तन होते रहते समय दर समय, है ना, जब परिवर्तन होता है तो कितनी परेशानी आती, कितनी बीमारियां होती है, लेकिन जैसे हम उस बुरे समय को हम ढाल के आगे बढ़ते हैं तब हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। इस ऋतुओं के द्वारा इन्होंने, इस चित्रण के द्वारा इन्होंने इन्होंने सब समाज को शिक्षा दी। तो मालविका अग्निमित्र, ये दो शब्द से बना है, ये मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। सही है कि नहीं ये तो पता नहीं, परंतु विदिशा नामक एक नगर के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा के बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम यानी महाराजा पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। विक्रम और उर्वशीयम, तो इन दोनों के बीच इसमें 5 अंक है ना, तो उसकी प्रेम कथा का भी, अच्छा ये प्रेम जो कथा होती जो आज के
आज के अंदर जो गलत दृष्टि के आधार पे जो गलत तरीके से जो दिखाया जाता है प्रेम कथा, है ना, जिसमें भौतिकतावाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया ऐसी प्रेम कथा, इसलिए आज के समय में विनाश अधिकांश लोगों का बुद्धि विनाश कर, खास करके आजकल की जो युवा जनरेशन है। और उस समय की जो प्रेम कथा उसमें आध्यात्मिक प्रेम, मन का प्रेम, श्रद्धा का, भक्ति भाव का जो प्रेम है उसमें उनके ग्रंथों में मिलता था, इसलिए उस समय की जो प्रेम कथा है वो आज भी एक ऐतिहासिक है। तो इसलिए उन ग्रंथों का आज भी सम्मान किया जाता है, उनकी कहानियों का। तो कुमार संभव का काव्य है और उस इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव मतलब एक कुमार के द्वारा एक राक्षस का वध, है ना, जिनके पास शक्ति थी उनके उत्तराधिकारी में उनको जो शक्ति मिली शिव पार्वती के द्वारा, तो इसकी कहानी भी काफ़ी प्रचलित। आप शिव महादेव, देव के देव महादेव, ओम नमः शिवाय नाम की न जाने कितने ऐसे शोध है यहाँ पे कार्तिकेय के जीवन से रिलेटेड, आपको कई शोध में आपको देखने को मिल सकता है ना। और अगर आप देखें तो कभी भी गौर करना है इसमें, इस कार्तिकेय के जीवन के बारे में, उनके कहानी के बारे में, है ना, शिव पार्वती के विवाह के बारे में। तो यहीं से ये सारी कहानियाँ दी गई है। हमारी जितनी भी पौराणिक कथा है वो कहीं ना कहीं कालिदास के उनके ग्रंथों से ली गई है। तो मेघदूत कालिदास का पांचवा ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को रूप बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपने वीरहीणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल का भी अच्छी जानकारी दी गई है। भूगोल यानी जोग्राफी मतलब कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा नगर कहाँ पर है, तो ये आपको इस पांचवें ग्रंथ में मेघदूत के द्वारा बड़े काल्पनिक हो लेकिन का जो लॉजिक है वो देश के भौगोलिक विस्तार के आधार पे इन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आइडिया नहीं, परंतु ये जितना इसमें लिखा है तो उसके आधार पे, कहानी के आधार पे इसको प्रस्तुत किया है। तो रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनको से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर पुरुष और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश यानी श्री राम जी के पूर्वज और उनके आने वाली उनकी जो पीढ़ी है, मतलब उनके जो उनके एक तो उनके पूर्वज और उनके वंशज, है ना, आज भी कहते हैं ना कि हम राम जी के वंशज हैं, तो उन्हीं के आधार पर। और आज जो हम रामायण रामचरितमानस, है ना, इतना कुछ पढ़े हुए हैं, तो इसका जो आधार है कि मतलब हम सिर्फ राम जी राजा राम के बारे में हम जानते हैं लेकिन इनके पूर्वज और इनके आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी हम जाने, तो कालिदास की जो रघुवंश नामक जो ग्रंथ है उसी के कारण, उसी के आधार पे आज हम रामायण को जानने लगे हैं। टीवियों में भी आपने देखा, तो इनके सूर्यवंश के दिलीप शुरुआत वहाँ से और फिर कहते कहते रघुवंश बढ़ते बढ़ते लव कुश के भी उत्तर उनके अति उत्तराधिकारी तक की भी पूरी जानकारी उस ग्रंथ में उन्होंने
शहर की, ठीक है। तो महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रीति, यह उनका तीसरा नाटक है। इसमें असात अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। अगर आप देखे होंगे तो इसमें शकुंतला और दुष्यंत राजा, पहले तो इन दोनों की प्रेम कहानी और फिर बाद में इन दोनों से संतान प्राप्त हुआ, वो उनका हमारे देश के नाम से जुड़ा गया भविष्य में, उनका नाम था भरत, भरत या भारत जो भी कहो ना। और फिर उनके बाद उनके जो आने वाली पीढ़ी का नाम है शांतनु, उनके बेटे का नाम शांतनु, जिन्होंने आगे चलकर माँ गंगा के साथ विवाह करके उन्होंने भीष्म पितामह को जन्म दिया है ना। और फिर उनके बाद में सत्यवती से विवाह करके उन्होंने आने वाले पीढ़ियों को जन्म देकर फिर कौरव और पांडव दोनों उन्हीं के वंशज है। जो महाभारत की जो कथा है वो इन्हीं के, इनकी जो बीज है, जो शुरुआत है, वो ये शकुंतला और दुष्यंत के कहानी से शुरू हुई। तो उन्होंने न जाने कितनी रचनाएं की, ये आप उनसे और जानकारी लेंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया महाकवि कालिदास चैप्टर के डिस्कशन और इसके डिटेल, इसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसके प्रश्नार्थ करते हैं। तो शब्दार्थ को पहले हम देखते हैं कि अभिभावक का अर्थ है बच्चों के पारिवारिक रक्षक, है ना, जैसे पहले भी कह चुके गार्डियन। अधिकांश अपने माता पिता और घर के बड़े होते हैं, पर बायचांस अगर वो नहीं हो तो और जो उनका ख्याल रख रहे हो वो पारिवारिक रक्षक होते हैं, जिसे अभिभावक है। शास्त्रार्थ शास्त्र संबंधी चर्चा, जो चर्चा होती है वो शास्त्र से संबंधित होती है और किसी और मामले में चर्चा नहीं होती। अनुरोध यानी आदेश, ग्लानि यानी दुख पीड़ा, हम कहते हैं ना कि हमें ग्लानि के हम आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सके, है ना, वो ग्लानि होती, पीड़ा होती है, दुख होता है। संकेत का मतलब इशारा, है ना, मुझे वहाँ जाने का संकेत मिला, इशारा मिला, है ना, उनसे मिलने का मुझे संकेत मिला, यकायक सहसा। निरक्षर अनपढ़, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि निरक्षर मतलब अनपढ़, मतलब वो अनपढ़ थे कालिदास थे, इसलिए निरक्षर शब्द भी कहते हैं। तो रोचक आकर्षक, है ना, ये रोचक है ना, से आकर्षक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा एक क्वेश्चन करते, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उन दिनों डैश में राजा विक्रमादित्य का राज्य था, उन दिनों डैश यानी ब्लैंक में राजा विक्रमादित्य का राज्य था, उस ब्लैंक में क्या आंसर रहेगा, उज्जैनी। उज्जैनी टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा उज्जैनी दिया हुआ है ना, पेज नंबर 89, उसमें जन्म और परिचय वाला जो पार्ट है उसका, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से जो उज्जैनी शब्द शुरू होता है वो है उज्जैनी, ठीक है। सेकंड, महाकवि कालिदास शुरू से विद्वान डैश नहीं थे, क्या नहीं थे, विद्वान नहीं थे, विद्वान, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते, महाकवि कालिदास शुरू से डैश थे, तो डैश थे में क्या आएगा, मूर्ख, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को जरूर समझिएगा, ठीक है। थर्ड, कालिदास के डैश प्रमुख ग्रंथ है, अंत में जैसे लास्ट में बताया गया था क्या है ना, सात प्रमुख ग्रंथ है ना,
सात प्रमुख ग्रंथ है, सात है। विद्योत माने डैश में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। विद्योत माने शास्त्रार्थ में, है ना, शास्त्रार्थ में आपको डैश करना है, आपको ध्यान रहे कि ये शास्त्रार्थ शब्द आते ही। पांचवा है विद्योत माने अपनी पांच उंगलियां दिखाकर पंच तत्वों की ओर संकेत किया, पंच तत्वों दिया टेक्स्ट बुक में, पंच तत्वों की ओर संकेत किया, है ना। एक बार ये प्रोज जरूर पढ़ना, आपको शब्दों की जानकारी इसी में मिल जाएगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दो, दूसरा प्रश्न है कि विधान पूर्ण कीजिए, है ना, विधान पूर्ण कीजिए में पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास फिर उसके बाद आता है बाण से पहले हुए थे, बाण से पहले हुए थे, ओके। तो बाण से पहले हुए थे को अंडरलाइन कीजिए, महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे, बाण से पहले हुए थे को अंडरलाइन कीजिए। सेकंड है कालिदास विश्व विख्यात है अपनी उपमाओं के लिए, विश्व विख्यात है अपनी उपमाओं के लिए, उपमाओं में दिया है उसमें, अपनी उपमाओं के लिए ब्लैंक में आप उसमें आप डैश दीजिएगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए, उनका जन्म स्थान का नाम बताइए, क्या है, उज्जयिनी, उज्जयिनी, है ना, उज्जयिनी, उज्जयिनी मतलब उज्जैन, ब्रैकेट में उज्जैन, है ना, दिया है उसमें पहले पैराग्राफ, ठीक है। जन्म और परिचय के बाद जो पहला पैराग्राफ है, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे, इस राजा के, राजा विक्रमादित्य के, है ना, पूरा लिखना है आपको, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। तीसरा लिखिए युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, पूरा लिखना है आपको, क्योंकि युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पे बैठे थे उसकी काट रहे थे, उसी की काट रहे थे, क्योंकि वे जिस वृक्ष की, क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी की काट रहे थे। चौथा, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था, है ना, वो पेज नंबर 90 में दिया है, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, है ना, लालच दिया था। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विद्योत्मा किसकी पुत्री थी, उसे किस बात का घमंड था, है ना, पेज नंबर 89 में दिया है, वो शारदानंद नाम के राजा की गुणवती और विद्वान पुत्री थी, या भी कह सकते हो विद्वत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी, उसे अपने रूप गुण और ज्ञान का घमंड था, है ना, रूप गुण और ज्ञान। पंडितों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया, पंडितों ने एक मूर्ख की शादी, दोबारा देखो, पंडितों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया, उत्तर है पंडितों ने एक मूर्ख की शादी विद्योत्मा से करा कर बदला लिया, एक मूर्ख की शादी विद्योत्मा से करा कर बदला लिया। प्रश्न सात, विद्योत्मा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया, विद्योत्मा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया, पांच उंगली दिखाई थी ना, वो है पांच उंगली वाला, विद्योत्मा ने पंच तत्वों का संकेत पांच उंगलियां दिखाकर दिया। नेक्स्ट, पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया,
पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? उसमें पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली के इशारे का अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। एक उंगली का इशारा करते हुए बताती है ईश्वर एक है। प्रश्न 9, मूर्ख युवक ने विद्योत्मा की उंगली के इशारे को क्या समझा? मूर्ख युवक ने विद्योत्मा की उंगली के इशारे को यह समझा कि वह उंगली से उनका आंख फोड़ देगी, है ना? ये समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन हम यहाँ अभी तक के लिए इतना है, तो हम नेक्स्ट टाइम इसके आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।